दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2019 में यानी कि 2019 के फरवरी माह में जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा वो उसमें फिजिक्स का पेपर मॉडल पेपर कैसा होगा, यानी कि जब सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है, तो ऐसे में पेपर कैसा होगा और योगी सरकार ने 2019 का जो मॉडल पेपर है वो मतलब रिलीज कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP पे, ठीक है। तो वहाँ से हमने डाउनलोड करके आपके पास ये पूरी डिटेल्स लेके आया हूँ और पूरा बताऊँगा कि वो किस तरीके से आएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आपको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन नहीं किया है तो कृपया ऑन कर लीजिए, इससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। सबसे पहले तो दोस्त यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं कि ये क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो हम ये सबसे पहले जान लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। इस प्रश्न में 5 खंड हैं, खंड अ और पूरे मतलब खंड का नाम लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें 5 खंड पूछे जाएंगे और खंड में मतलब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। जो खंड ए है उसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें आपको एक अंक दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। खंड ब जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो एक या दो लाइन में आपको इसका आंसर लिख देना है। खंड स जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा, यानी कि इसमें भी आपको 2 से 4 लाइन के बीच में आंसर लिख देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिल जाएगा अगर आप कर देते हैं तो। खंड द जो है वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है, लेकिन खंड स से इसका आंसर जो है वो थोड़ा लॉन्ग लिखा जाएगा, यानी कि 4 से 6 वर्ड में आप लिख सकते हैं, 4 से 6 लाइन में आप उसका आंसर लिख सकते हैं खंड द का, ठीक है। अब खंड य जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। जाहिर सी बात है विस्तृत है तो आपको कुछ बड़ा लिखना होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लिखना होगा उसमें, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक प्रदान किए जाएंगे आपको। और उसके बाद खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे प्रकाश के चाल का वैल्यू दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट का दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का दिया गया है और 1/4π0 का वैल्यू दिया गया है। तो ये इसलिए दिया गया है ताकि अगर प्रश्नों में आपको अगर वैल्यूज़ उनकी नहीं पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। खंड अ आ गया जिसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को लिख देना है जिसके लिए आपको एक अंक प्रदान मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं जो इस साल मतलब चेंज किया गया है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आता है खंड ब, इसमें ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है और इसका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में लिख देना है। और आपको जैसे ये क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो फाइनली आपको सीधे लिख देना है कि गतिशील आवेश से वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे आप मतलब एक लाइन में लिखेंगे तो आपको एक नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। और उसके बाद से ये सारे क्वेश्चन हैं तो ये एक नंबर के हैं, ठीक है। अब खंड स जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा लिखना है, जैसे ये इसमें आपको ये SI पद्धति में L/R का मात्रक एवं बीमा क्या है, तो इसमें आपको मात्रक भी लिखना है और बीमा भी लिखना है, तो इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से एंड गेट की सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए, तो ये दिखा देंगे आप तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया मतलब अच्छा होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये 2 अंक का। और उसके बाद से भी आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा खंड द में, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न से जिसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा और अच्छे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 3 अंक भी आपको मिल सकते हैं, 3 में 3 भी मिल सकते हैं। इसमें थोड़ा वर्णन करना होता है, जैसे अपवाह वेग परिभाषित कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा धारा में संबंध स्थापित कीजिए, तो उसका मतलब परिभाषा लिख देना है
और उसके बाद से उसका फार्मूला लिख देना है कि अपवाह भेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है, तो I बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ऐसे करके आप परिभाषा लिख के और इसका फार्मूला लिख देंगे, संबंध स्थापित करना है तो यानी कि इसका पूरा डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। तो और उसके बाद से आपका आ जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 5 अंक प्रदान किए जाते हैं और इसमें आपको कुछ अच्छा लिखना होगा, बड़ा लिखना होगा और इंटरेस्टिंग काफ़ी लिखना होगा, तब आपको मतलब नंबर मिल पाएगा, ठीक है। और आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है कि मतलब ये क्वेश्चंस नहीं लग रहा है एनसीईआरटी बेसिस के, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड जानकारियाँ मिस ना हो पाए, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल का आइकन जो होता है, ठीक है। और दोस्त लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों को भी पता लगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है वो रिलीज हो चुका है और वो भी इस पेपर को आसानी से देख पाएँ। और अगर आप नेक्स्ट पेपर भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि केमिस्ट्री का पेपर मैं वीडियो अपलोड करूँ, और मैथ का अपलोड हो चुका है, फिर और कोई भी आता है अगर टेंथ से हैं तो टेंथ वाले कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो यही था दोस्त वीडियो में, सिंपली वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।